हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी ही बेटी के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव किया हमने, और तुम तो बेटी को बेटा बनाने पर तुल गए। सुबह शाम नौकरी पैसा बस यही करते रहे। देखा, चली गई ना आप हमें छोड़कर। आज वो 24 साल की हुई तब तुझे समझ आया कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था। अभी तक कहाँ था ये माँ का प्यार? गलती तो हमसे हुई है, हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। उसे वापस आने दो, हम अपनी गलती सुधारेंगे। मालूम है मुझे, वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो आएगी तब मैं उससे पूछूंगा, उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया हमारा जाने से पहले। अब भक्ति बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतने जल्दी आए और आपने मेरी बहन को बचा लिया। थैंक यू सो मच सर। सर, स्मिता की लास्ट लोकेशन सूर्यनगर बस स्टैंड पे दिखा रही है। रात 11 बजे तक उसका फोन इस लोकेशन पे एक्टिव था, उसके बाद से ऑफ है। रात 11 बजे कौन सा इंटरव्यू होता, वो भी बस स्टैंड पर? मुझे लगता है कि स्मिता के माँ बाप ने हमें पूरी तो क्या, अधूरी कहानी भी घुमा फिरा के सुनाई। कुछ तो झोल है, पर वो क्या झोल है ये हम पता लगा के रहेंगे। सर, हमने ऑलमोस्ट हर एंगल चेक किया, लेकिन शुभ और भक्ति के माँ बाप की सुसाइड का कोई रीजन सामने नहीं आया, बल्कि अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कोई लोन भी नहीं है। और जहाँ तक हमने पता किया, सर काफी खुशहाल फैमिली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता। तुमने प्रॉपर्टी का एंगल चेक किया? यस सर, सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम पर है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 crore है। एक खुशहाल फैमिली, पैसों की कोई कमी नहीं, और एक दिन अचानक माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? इन दोनों बच्चों के अलावा फैमिली में और कौन है? सर, एक चाचा और उनकी फैमिली है। हमें इनके चाचा से बात करनी होगी, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिले। सर, स्मिता की लास्ट लोकेशन यहीं की है, तो पॉसिबल है कि वो यहीं से गायब हुई हो। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये कि उसे किसी ने देखा नहीं, और ना ही आसपास कोई सीसीटीवी कैमराज है कि पता चल पाए वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किडनैपिंग जैसा कोई मामला है। स्मिता एक मैच्योर लड़की है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है। उसने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा। ऐसी मैच्योर लड़की बिना किसी को कुछ बताए अपनी मर्जी से कहाँ चली जाए? और अगर किडनैपिंग का मामला होता तब तक रैनसम का कोई कॉल आ गया या उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती या बुरा होता, तब भी हमें अपडेट मिल जाता। सर, हो सकता है उसकी फैमिली की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट हो उसके गायब होने में, क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि लड़की की रात की इंटरव्यू है और माँ बाप के पास कोई डिटेल ही नहीं। ठीक, इस एंगल को चेक करो। और स्मिता ने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे सब कंपनीज की लिस्ट चाहिए। हमें हर वो पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी जहाँ से हमें स्मिता के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लू मिल सके। सर, स्मिता के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मंजरी उसकी इकलौती और बेस्ट फ्रेंड है, शायद उससे कुछ पता चले। सर, स्मिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। देखो, पहली बात तो यह, डरो मत। हम मानते हैं कि तुम्हें नहीं बताकर गई होगी कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, पर बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ आइडिया तो होगा। सर, बस इतना पता है कि वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, लेकिन कब कहाँ ये नहीं पता। इसके अलावा और कुछ नहीं पता? नहीं सर। लेकिन अगर स्मिता के साथ कुछ भी गलत हुआ तो जिन लोगों से हमने पूछा स्मिता के बारे में, हमें बाद में पता चला कि उन्होंने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था, तो सब के सब जेल जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना और छुपाना क्राइम है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक, चलो। सर, एक बात है जिसका स्मिता के गायब होने से ना लेना देना हो सकता है। क्या बात? अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे स्मिता बहुत डर गई थी। सर, डरो मत, क्या हुआ बोलो। सर, उसके लोकेलिटी के 2 लड़कों ने ना हमें बहुत हैरेस किया था, इतना कि उन्होंने स्मिता का दुपट्टा तक छीन लिया था। मैडम को पसीना आ गया। अरे भाई, ऐसा कैसे पसीना आ गया, सोचना पड़ेगा मैडम को। पहले भी वो लड़के परेशान करते थे, लेकिन जो उस दिन हुआ ना सर, उससे स्मिता उस गली से जाने से बहुत डरने लगी। सर, स्मिता बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, इतनी कि उसने ये बात अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताई। उठाओ उन दोनों लड़कों को,
अकेली डरी सहमी लड़की देखकर सालों की मर्दानगी फूटी होगी। इन्होंने गायब किया होगा स्मिता को, यही सोचकर कि वापस आकर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। भक्ति, तूने कुछ खाया पिया? I'm sorry, bye. Don't worry. तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, ठीक है? भक्ति, भक्ति, बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। जैन सर, सर एक बॉडी मिली है, कटकटी स्मिता से मिलती है, लेकिन पहचान पाना मुश्किल है, काफी डिकम्पोज हो चुकी है। अगर ये बॉडी बाकी स्मिता की है तो बस स्टैंड से उसकी बॉडी को यहाँ कौन लाया, और उसकी हालत किसने की और क्यों की? पेरेंट्स को बुलाओ शनाख्त के लिए। यस, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये दूसरी बार हुआ है जब उसकी जान बच गई। अब भक्ति को सख्त काउंसलिंग की जरूरत है शुभ, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है, या फिर किसी रिलेटिव को बुला लो उसके साथ रहने के लिए। हमें बॉडी के ऊपर ये ब्रेसलेट और कपड़े मिले, ये आपकी बेटी के? रुक, मैं और तेरी माँ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, और एक तू है जरूरत छोड़कर ये गहने खरीद रही है। पापा, ये मैंने नहीं खरीदा है, वो मंजरी ने अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट किया है। सर, ब्रेसलेट स्मिता का है सर। सर, ये मेरे बेटे के कपड़े नहीं है सर। जब 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 स्मिता घर से गई थी तो ये कपड़े पहन के नहीं गई थी। लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि ब्रेसलेट स्मिता का ही है। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और लड़के के पास मेरी स्मिता जैसा ब्रेसलेट हो। देखिए, आप ध्यान से देखिए, शायद ये स्मिता ही है। मैं माँ हूँ उसकी, क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं पहचानूंगी? ये मेरी बच्ची नहीं है सर। सर, ये उन 20 कंपनीज की लिस्ट है जिसमें स्मिता ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 10 कंपनीज में हम पूछताछ कर चुके हैं पर कुछ हाथ नहीं लगा। और वो दोनों लड़के सनी और विकी जो स्मिता को हरास कर रहे थे, उनकी क्या अपडेट है? दोनों ही अंडरग्राउंड है सर। विकी के बारे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन सनी हिस्ट्री शीटर है सर। अपनी ही भाभी का उसने मर्डर और के चार्जेस है उस पर। बेल पर बाहर है क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला उसके अगेंस्ट। सर, हमने स्मिता का बैंक अकाउंट चेक किया, कुछ खास पैसे नहीं है, पर एक नंबर पे इसके अकाउंट से कॉन्स्टेंटली रिचार्ज किया जाता था। ये उसका रेगुलर नंबर नहीं है और CDR में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। पर सर, जब हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी स्मिता के एरिया में एक्टिव था। इसकी भी लास्ट लोकेशन वही बस स्टैंड है और ये भी तभी से बंद है जब से स्मिता गायब हुई थी। तो इसका मतलब स्मिता के पास एक नहीं, दो दो नंबर थे, और इस दूसरे नंबर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये क्या चल रहा है तुम लोग का? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। वो छुट्टी पे क्या? हाँ भाई, उसका पेमेंट का बहुत इश्यू रहता है यार। कोई है? कोई है?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.